नमस्कार, स्वागत है आपका आज की तारीख में। मैं अभिसार शर्मा। कुलभूषण जाधव के मामले में भारत की दुनिया की सबसे बड़ी अदालत में जीत हुई है। इंटरनेशनल कोर्ट में कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक लगा दी गई है। 3 साल पूरे करने जा रही मोदी सरकार की कामयाबी का एक और झंडा गड़ा है। सरकार के 3 साल पर एबीपी न्यूज ने केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। जाधव पर राजनाथ सिंह ने इंटरव्यू में बड़ा बयान दिया है कि कुलभूषण को बचाने के लिए हम किसी भी हद तक जाएंगे और इसे एक बहुत बड़ी जीत उन्होंने माना है। लेकिन यह जो बात उन्होंने कही एबीपी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में, यह इस पूरे इंटरव्यू का एक हिस्सा है, क्योंकि गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की आंतरिक सुरक्षा, पाकिस्तान को लेकर भारतीय नीति से जुड़े कई सवालों का जवाब दिया। तो कई मुद्दों का जवाब दिया उन्होंने अपने इस इंटरव्यू में। हम आपको बता दें कि उन्होंने हमारे संवाददाता राजकिशोर से कि सवालों का जवाब दिया। आइए देखते हैं गृहमंत्री राजनाथ सिंह के साथ उनकी एक्सक्लूसिव बातचीत। 3 साल सरकार बेमिसाल, केंद्र की मोदी सरकार का यह नारा है। और हमारे पास सरकार से पूछने के लिए बहुत कुछ है, उनके पास बताने के लिए बहुत कुछ है। तो मोदी सरकार में इस समय सबसे वरिष्ठ और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी हमारे साथ हैं। एबीपी न्यूज से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजनाथ जी। मेरा पहला सवाल है, क्योंकि किसी भी देश की प्रगति उसकी सुरक्षा में सन्निहित होती है, तो सुरक्षा का चूंकि भार आपके ऊपर है, तो सुरक्षा के मोर्चे पर अगर हम पिछले 3 सालों के बारे में आपसे पूछें तो आप उसकी कैसे व्याख्या करेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि विगत 3 वर्षों में इस देश की आंतरिक सुरक्षा के स्थिति में पहले से काफ़ी सुधार हुआ है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि इतना ही सुधार हमारे लिए पर्याप्त नहीं है, इसमें और भी सुधार लाए जाने की आवश्यकता है। और पूरी तरह से हम लोगों का प्रयत्न यह जारी है कि आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर हमें पूरी कामयाबी हासिल हो। समय लगेगा, लेकिन कामयाबी हासिल होगी। क्योंकि बतौर गृह मंत्री मुझे लगता है कि जो सबसे जो मुश्किल जो खबरें आ रही हैं इस समय सरकार के पास में, वो आ रही हैं कश्मीर से। तो कश्मीर को लेकर सरकार, कश्मीर को लेकर बल्कि पाकिस्तान को लेकर सरकार की रणनीति में कहीं कभी एक कदम आगे 2 कदम पीछे ऐसा नजर आता है, ऐसा क्यों हो रहा है? अब रणनीति के तहत तो कभी कभी 1 कदम आगे 1 कदम पीछे करना ही पड़ता है, ये स्वाभाविक है। लेकिन जहां तक कश्मीर का प्रश्न है, कश्मीर भारत का इंटीग्रल पार्ट था, इंटीग्रल पार्ट है और इंटीग्रल पार्ट रहेगा, इसमें कहीं दुविधा नहीं है। कश्मीर के हालात के का जहां तक प्रश्न है, सभी जानते हैं कि इसके पहले भी कई बार इस प्रकार की हालात वहाँ पर पैदा हो चुके हैं और बहुत बड़ी संख्या में वहाँ पर घटनाएं भी घटित हुई हैं, बहुत सारे लोगों की जानें भी गई हैं। लेकिन हम वैसे हालात यहाँ पर पैदा नहीं करना चाहते। हम ये मानकर चलते हैं कि कश्मीर के रहने वाले लोग भी हमारे ही हैं, कश्मीर भारत का है और कश्मीरी भी भारत के हैं, इसलिए हम कश्मीर को भी बचाना चाहते हैं, कश्मीरियों को भी बचाना चाहते हैं और कश्मीरियत को भी हम बचा के रखना चाहते हैं। महबूबा मुफ्ती हुर्रियत से बार बार बात करने के लिए कहती हैं, आपका बिल्कुल साफ रुख है कि हम उनसे बात नहीं करेंगे, तो ये जो नहीं, देखिए मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि 3 बार मेरा कश्मीर घाटी जाना हुआ है और जब जब मैं गया हूं तब तब मैंने यही संदेश अपनी तरफ से दिया था कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हमसे बात करना चाहते हैं, मैं सभी स्टेक होल्डर से बात करने को तैयार हूं। लगभग 25, 30, 40 डेलीगेशंस आए जी और लोगों ने हमारे साथ संवाद किया, लेकिन जिनको नहीं आना था वो नहीं आए। यहां तक कि एक बार ऑल पार्टी डेलीगेशन भी गया था तो 2 हमारे दूसरी राजनीतिक पार्टियों के वरिष्ठ नेता श्री शरद यादव जी और सीताराम जी येचुरी वह भी इसमें मिलने के लिए गए थे, लेकिन हुर्रियत के लोगों ने उनके लिए दरवाजा नहीं खोला। इसके बाद हुर्रियत लगातार इस तरीके की हरकतें कर रहा है, देश विरोधी हरकतें कर रहा है, फिर उनकी सुरक्षा क्यों? भारत के टैक्स पेयर के पैसे से उनकी सुरक्षा क्यों? देखिए, उनको जो भी सुरक्षा दी गई है वह राज्य सरकारों के द्वारा सुरक्षा दी गई है, वह केंद्र सरकार के द्वारा उनको कोई सुरक्षा नहीं दी गई है, पहले मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। और वैसे इसके पहले भी हुर्रियत के लोगों से बहुत सारे लोगों सरकारों की बातचीत हो चुकी है, लेकिन समस्या का कोई समाधान निकला नहीं है। जी।
और आज भी मैं कहना चाहता हूं कि जो भी सरकार से बात करना चाहता है, हर स्टेक होल्डर से हम बात करने को तैयार हैं। हम बात करने से हम नहीं बचना चाहते, कोई भी हो स्टेक होल्डर जो बात करना चाहता है वो बतलाए कि हम बात करना चाहते हैं, हम बात करने को तैयार हैं। किसी के साथ यदि हमारी कोई भी बातचीत होगी तो वो पूरी तरह से अनकंडीशनल होगी। इनका हम समाधान कब दे पाएंगे, क्योंकि हम ये अपेक्षा कर रहे थे। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जब से आजादी हासिल हुई है जी, तब से पहली बार कश्मीर में ऐसा हुआ, ऐसा नहीं, ऐसा कई बार हो चुका, 20-25-30-40 बार ऐसे हालात वहां पर पैदा हो चुके हैं। एक अब हम लोगों ने फैसला किया है कि कश्मीर का एक स्थायी समाधान देंगे। ये सवाल लेकिन इस समय मैं कहना चाहता हूं कश्मीर में स्थिति पहले से काफी अच्छी है। एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकता है, लेकिन देखा जा रहा है खून भी बह रहा है, पानी भी बह रहा है। सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए उनको जवाब देने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बाद फिर से नापाक हरकत हुई है। लेकिन हम ऐसा क्यों, उनको ठोस जवाब ऐसा क्यों नहीं दे पा रहे हैं कि वो थम कर रह जाएं? अब देखिए, जो भी जवाब कब देना, किस रूप में देना, यह तो सरकार अपनी रणनीति के तहत ये सब सारे फैसले करती है। लेकिन आपने देखा कि एक बार सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से जवाब दिया जी। उसका परिणाम यह हुआ कि पहले से जो घुसपैठ की घटनाएं हुई हैं सर्जिकल स्ट्राइक के बाद, उनमें काफी कमी आई है, काफी कमी आई है पहले से जी। लेकिन मैं बहुत कुछ जानते हैं ऐसे मामलों में बहुत बोला नहीं जा सकता। मैं तो देशवासियों को इतना ही आश्वस्त करना चाहता हूं कि यह आपकी सरकार जो मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, भारत का मस्तक किसी भी सूरत में झुकने नहीं देगी। और मैं समझता हूं कि जब मैं पाकिस्तान गया था तो पाकिस्तान की धरती पर जी, सीधे दो टूक शब्दों में जो कुछ भी कहना चाहिए था वह कहकर मैं भारत वापस लौटा था। लेकिन उसको कोई सबक नहीं मिलता दिखाई पड़ रहा है, मुझे लगता है कि उसका असर मतलब यहाँ अभी कम से कम सीमा पर और आतंकवाद पे उस तरीके से दिखाया। लेकिन अब धीरे धीरे पाकिस्तान को भी तो ये एहसास होने लगा है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में धीरे धीरे वो अलग थलग पड़ता जा रहा है। क्यों होता है कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार जो कानून है उनका सरेआम उल्लंघन करता है? और अभी हम कुलभूषण जाधव के ही मामले को लें, उस मसले पर आपने भी संसद में कहा था कि उस मामले में हम कुछ भी उसको छुड़ाने के लिए करेंगे। संसद में भी कहा था और मुंबई में भी मेरा एक कार्यक्रम था, उस समय भी मैंने कहा था कि कुलभूषण जाधव को बनाने के लिए हमको जहां तक जाना पड़ेगा वहां तक जाएंगे। उसी समय मैंने यह भी उल्लेख किया था कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी जाना पड़ेगा तो वहां भी जाएंगे। कुलभूषण जाधव को बचाने के लिए जिस हद तक जाना होगा उस हद तक हम जाएंगे। ये हद कुछ भी हो सकती है। बस मैंने बस इतना ही कह दिया, अब उसको जिसको जिस रूप में एलेबरेट करना हो करे। और इसी तरीके से जो सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट टू की भी एक अपेक्षा की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान ने हिमाकत की है तो हम उसके बारे में देखिए, कोई देश जब कुछ इस प्रकार के कोई कदम उठाता है तो कोई बहुत उसमें पहले से लोगों को बतला कर अथवा कोई इसका संकेत देकर कुछ नहीं होता है। देश के स्वाभिमान की रक्षा के लिए जब उचित जो होता है वह सरकार कदम उठाती है। कम से कम देशवासियों को हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर, हमारी सरकार के ऊपर भरोसा है कि यह प्रधानमंत्री और यह सरकार देश का मस्तक किसी भी सूरत में झुकने नहीं देंगे। नक्सलवाद पे शुरुआती दौर में जब आपने कार्यभार संभाला था उसके बाद बहुत उस पर अंकुश लगता दिखाई पड़ा था, आंकड़े भी ये गवाही देते हैं। लेकिन अचानक सुकमा हो जाता है, इस तरीके की 2-3 घटनाएं हो जाती हैं और बहुत विभत्स और जघन्य घटनाएं हुई हैं, उसके बाद लगता है कि फिर से नक्सलवाद सिर उठा रहा है, तो ये कितना चिंताजनक है। मैंने जब 2015-2016 में नक्सलवाद के खिलाफ तेजी से कार्रवाई प्रारंभ हुई थी और बड़ी संख्या में आपने देखा कि लगभग 450% अधिक पहले की अपेक्षा नक्सलवादियों ने सरेंडर भी किया है, और उसके अतिरिक्त मुठभेड़ में भी बहुत बड़ी संख्या में नक्सलवादी मारे भी गए हैं, जो कि भारत के इतिहास में इतना कभी नहीं हुआ है। उस समय ही मैंने अपने पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जितने डायरेक्टर जनरल हैं उनको भी मैंने बतलाया था, और साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट्स को भी मैंने कहा था, राज्य सरकारों को भी, कि इस समय डिस्परेशन में है सारे माओवादी, हताशा में है, ये कभी भी किसी समय कोई बड़ी वारदात कर सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति जब हताशा में होता है तो अपना एग्जिस्टेंस बचाने के लिए कुछ भी करने की कोशिश
करता है। अब ये घटना ये हो गई, बहुत ही दुखद थी, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण थी, लेकिन आपने देखा हम लोगों की कार्रवाई इस समय राज्य सरकारों ने केंद्रीय सशस्त्र बल के सहयोग से अपनी कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। अभी तो कल आपके ही चैनल पर चल रहा था और आज तक पर मैंने देखा कि छत्तीसगढ़ में कार्रवाई हुई है, लेकिन बढ़ने नहीं देंगे। आंकड़े तो ये बतलाते हैं 50-55% पहले के कंपेरिजन में माओवाद नीचे आ चुका है। मैंने इसलिए अचानक इतनी बड़ी घटना हो जाती है क्योंकि उसके पीछे कुछ कारण ये बताए जाते हैं कि अचानक अधिकारियों की जो अंदर भरोसा होना चाहिए या जो अर्धसैनिक बल हैं उनके मनोबल पर कुछ असर पड़ा है राज्य सरकारों या चाहे केंद्र सरकार के कर्मचारी हमारे हमारे जो है बहादुर जो हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान उनके मनोबल पर असर पड़ा होता तो मैं समझता हूँ कि फिर से उन्होंने इस प्रकार की कार्रवाई प्रारंभ न की होती जो कि 3-4 दिन पहले किया है। अभी जिस तरीके के चुनावी नतीजे आए हैं बीजेपी के पक्ष में उत्तर प्रदेश को लेकर, खासतौर से वहां पर गोरक्षा बूचड़ खानों को लेकर, कभी हिंदू वाहिनी कभी कुछ ऐसे दूसरे जो हिंदूवादी संगठन कहे जाते हैं उनको लेकर कहीं अल्पसंख्यक समुदाय में कहीं असुरक्षा का भाव भी आता दिखाई पड़ रहा है, ऐसे तमाम बयान भी आए, विपक्ष भी कह रहा है, तो इस स्थिति से बचने के लिए क्या करेगी सरकार? मंत्री होने के नाते भी मैं सभी को आश्वस्त करना चाहता हूँ, चाहे कोई किसी भी विचारधारा को हो अथवा किसी भी धर्म अथवा किसी पंथ को मानने वाला हो, किसी को अपने को असुरक्षित महसूस करने की आवश्यकता नहीं है। आप चूंकि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी रहे हैं, पहली बार इतनी राज्यों में भाजपा की सरकारें भी हैं, आपको नहीं लगता है कि जिस तरीके से तमाम 3 तलाक, इसके पहले गोरक्षा, ये जो बातें लगातार उठती हैं और बीजेपी की छवि एक हिंदूवादी संगठन की रही है, इधर थोड़ा सा कट्टरता क्या ज्यादा बढ़ी है हिंदुत्व को लेकर? भारतीय जनता पार्टी की छवि बराबर एक राष्ट्रवादी संगठन की रही है, राष्ट्रवादी राजनीतिक पार्टी। नहीं, आपको नहीं लगता कि वो राष्ट्रवादी से आगे बढ़कर वो हिंदुत्ववादी की तरफ चीजें जा रही है? नहीं, देखिए हिंदुत्ववादी और कौन वादी वो सब मने हिंदू में ये मेजोरिटी है, इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता, हम भी हिंदू हैं, यह कहने मुझे गौरव की अनुभूति होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जहां तक प्रश्न है, जाति पंथ अथवा मजहब के आधार पर बनी हुई राजनीतिक पार्टी नहीं है, यह एक राष्ट्रवादी राजनीतिक पार्टी है, यह राष्ट्र की सेवा के लिए यह राजनीतिक पार्टी बनी है। नहीं, लेकिन जब इस तरीके की घटनाएं होती हैं, चूंकि आप काफी समय घटनाएं क्यों केवल हम ही लोगों के शासनकाल में हुई हैं, इससे बड़ी बड़ी घटनाएं जो है दूसरे राजनीतिक पार्टियों के शासनकाल में नहीं हुई है। बड़ी बड़ी वारदातें हुई हैं, मैं समझता हूँ उतनी बड़ी वारदातें हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में नहीं हुई हैं। 3 साल सरकार के और उसके पहले वहां समाजवादी पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, आपने देखा मुजफ्फरनगर और इधर उधर कितने सारे कांड हुए। चलिए मैं अब आता हूँ केंद्र सरकार के 3 सालों के अगर हम ब्यौरे पर आए तो आपको क्या लगता है कि इन 3 सालों में ऐसा कौन सा काम हुआ है जिसको लेकर जनता में इतना भरोसा अभी कायम है बीजेपी के प्रति और ये 2019 तक कायम रहेगा? देखिए, एक तो अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की साख, भारत की विश्वसनीयता बढ़ी है, सबसे बड़ी हमारी उपलब्धि है, और देश की अर्थव्यवस्था का जहां तक प्रश्न है मैं कह सकता हूं कि विश्व में सर्वाधिक तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था यदि किसी देश की है तो हमारे भारत की है। पहली बार हम ये डंके की चोट पर ये बोल सकते हैं। तीसरी चीज मैं कह सकता हूं कि बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चरल और प्रोसीजरल रिफॉर्म्स हम लोगों ने किए हैं जिसके परिणाम स्वरूप एक जो होलसेल करप्शन लाखों करोड़ रुपए का होता था, आपने देखा होगा कि 3 वर्षों में एक भी करप्शन का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। पर रोजगार अभी बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन देश भी समझता है सच्चाई को, रोजगार की समस्या का समाधान चुटकी बजाकर 4-6 महीने साल 2 साल में नहीं हो सकता। लेकिन हम लोगों को, हम इस हकीकत को समझते हैं कि लोगों के अंदर, नौजवानों के अंदर काम करने की योग्यता है, क्षमता है, प्रतिभा है, तो उनको ये अब उनके अंदर हुनर पैदा किया जाना चाहिए। जो नौजवान काम करना चाहते हैं उनके अंदर हुनर पैदा करना चाहिए ताकि कोई ना कोई रोजगार अपने हुनर के माध्यम से वो कर सके। क्योंकि कोई भी सरकार हो सभी नौजवानों को सरकारी नौकरी नहीं दे सकती है, इसलिए स्किल डेवलपमेंट का कार्यक्रम, जितनी कौशल विकास जिसे बोलते हैं, का कार्यक्रम जितनी तेजी से इस देश में चलाया गया है
उसकी जानकारी आपको है। हाँ, पर दावों और नतीजों में भी बहुत अंतर बहुत हाँ, लेकिन पहले की, मैं दावे के साथ कह सकता हूं पहले की अपेक्षा मैं कई गुना, कोई तुलना नहीं है। मैं एग्जैक्ट फिगर तो इस समय मैं नहीं बतला सकता हूं कैसे कितने लगभग करोड़ के आसपास पहुंच रहे होंगे जितने नौजवानों के अंदर एक हुनर पैदा करने का काम इस कौशल विकास कार्यक्रम के माध्यम से हमारी सरकार ने किया है पिछले 2.5 वर्षों के अंदर। और खासतौर से किसानों, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं जी। वरी मुद्रा योजना लगभग 1,34,00,000 करोड़ के आसपास अब तक ये लोगों ने कर्ज लिया है। लगभग ऐसे 3.5 करोड़ की ये संख्या है नौजवानों की जिन लोगों ने कर्ज लिया है काम करने के लिए। तो वह खुद भी तो रोजगार करेंगे और उसके साथ साथ 10-5 अन्य नौजवानों को भी उसमें काम करने का अवसर मिलेगा। यही सब तरीके हो, ये सब सारे कार्यक्रम पहले कभी नहीं चले हैं जो हम लोगों ने प्रारंभ किए। अगर मैं 3 साल में पूछूं 3 गेम चेंजर योजनाएं जिससे आम आदमी का जनजीवन बदल सकता है तो वो क्या हो सकती है, वो कदम क्या गिनाया जा सकता है? देखिए, सीधे सबके लिए नहीं, हर प्रोफेशन के लिए अलग अलग है। जैसे मैं किसानों के लिए कहूं, किसानों के लिए पहली बार हमारे प्रधानमंत्री ने फैसला किया कि 2017 है, 2022 आते आते अपने देश के किसानों की जो आज आमदनी है उसको जस्ट डबल कर देंगे, दो गुना कर देंगे। उसके लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे इनपुट कास्ट है जो लागत मूल्य है उसमें कमी आए। आपने देखा पहले खाद के लिए, यूरिया खाद के लिए लोगों को लाइन में खड़े होना पड़ता था और उसके बाद भी इतनी भीड़ होती थी, कभी कभी जो है पुलिस को लाठीचार्ज भी करनी पड़ती थी। जब से हमारी सरकार आई है खाद की कीमत भी घटी है, लाइन भी लगनी बंद हो गई है। अब खाद की कीमत कम हुई तो इनपुट कास्ट कम हुआ कि नहीं हुआ? सिंचाई परियोजना पर जैसे स्प्रिंकलर का, ड्रिप इरिगेशन का अधिक से अधिक लोग प्रयोग करें, इसके लिए पर्याप्त फंड एलोकेशन भी करने का हम लोगों ने फैसला किया है और प्राइमरली हम लोगों ने 50,000 करोड़ का जो है एलोकेशन उसमें किया भी है और कई लाख हेक्टेयर भूमि पर जो है ये ड्रिप इरिगेशन अथवा स्प्रिंकलर के माध्यम से भी सिंचाई प्रारंभ करेंगे हम लोग। ये सिलसिला चल प्रारंभ हो चुका है किसानों के का जहां तक संबंध है। अच्छा, दूसरी चीज, सबसे बड़ी बात, देश की अर्थव्यवस्था में भी बहुत सारे सुधार। अब जी जीएसटी का ही तो मैंने कहा, इस सच्चाई को कोई नहीं नकार सकता कि इस देश की इकोनॉमी में जीएसटी के माध्यम से इकोनॉमिक रिफॉर्म को हम लोगों ने इंडक्ट किया है, एक बड़ा ही आर्थिक सुधार है। 18 प्रकार के कर लगते थे, 18 की जगह केवल एक कर होगा जी। साथ ही साथ जहां तक इस देश की जीडीपी की ग्रोथ रेट का प्रश्न है, यह इसे जीएसटी लागू हो जाने के बाद विश्वास है, इकोनॉमिस्ट भी मानते हैं कि 1.5 से लेकर 2% तक वो जो जीएसटी की ग्रोथ, इसकी जीडीपी की ग्रोथ रेट बढ़ जाएगी, ये भी मानते हैं लोग। और अन्य भी बहुत सारे हैं, टैक्स की जो चोरी होती है वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी और वन टैक्स वन नेशन की जो हमारी अवधारणा है वो भी साकार होगी। इसी से जुड़ा हुआ है कि अब चूंकि 3 साल मोदी सरकार के हो चुके हैं और अब 2019 बहुत ज्यादा दिन नहीं बचे, 2 साल बचे हुए हैं, तो आपको क्या लगता है कि कौन सी वो नीतियां होंगी? चेहरा स्पष्ट नजर आता है कि जो चेहरे हैं वो होंगे बीजेपी के पास कि कहां कैसे आगे बढ़ना है, लेकिन कौन सी नीतियां होंगी? आपने चूंकि जब उपलब्धियों को गिनाना शुरू किया तो सबसे पहले विदेश नीति पर बात की, लेकिन अभी घरेलू स्तर पर बहुत सी चीजें ऐसी होनी है जिन पे सवाल उठते हैं, विपक्ष की तरफ से उठाए जाते हैं, तो आखिर वो कौन से कारण होंगे जो बीजेपी को? जैसे देश की अर्थव्यवस्था में भी सुधार होगा तो मैं समझता हूं कि देश के हर नागरिक को उसका लाभ मिलेगा। जनता के अंदर यह भरोसा हुआ कि लंबे समय से एक होलसेल करप्शन, होलसेल भ्रष्टाचार का जो सिलसिला चला आ रहा था, इस सरकार ने उसे रोक दिया। लोगों को भरोसा है, विश्वास है कि हमारा देश आर्थिक दृष्टि से और तेजी के साथ प्रगति करेगा। पर भ्रष्टाचारी अभी भी बहुत बाहर है, जिनकी बात की जा रही थी, कहा गया था कि उस भ्रष्टाचार को भी कम करने के लिए इसमें सभी राज्य सरकारों का भी सहयोग चाहिए। केंद्र सरकार अकेले सब कुछ कर डालेगी ऐसा संभव नहीं है,
लोगों का वैल्यूज के प्रति भी, मूल्यों के प्रति भी लोगों की प्रतिबद्धता चाहिए। एजुकेशन सिस्टम में भी चेंज लाया जाना चाहिए। कई चीजें हैं, एकदम पूरी तरह से सारी बुराइयों का समाप्त करना चाहते हैं तो। 3 साल बाद अगर आप देश के नाम एक संदेश देना चाहें सरकार की तरफ से, चूंकि सरकार में इस समय आप सबसे वरिष्ठ मंत्री हैं, तो आपकी तरफ से क्या वो संदेश होगा देशवासियों के लिए? बस देशवासियों को बस संदेश क्या देना, मैं इतना ही आश्वस्त अपनी तरफ से करना चाहूंगा कि जिस तरीके से हमारी सरकार के ऊपर उन लोगों ने भरोसा और विश्वास व्यक्त किया है, हम उनकी अपेक्षाओं की कसौटी पर पूरी तरह से खरे उतरेंगे। आखिरी सवाल पूछूंगा राजनाथ जी आपसे, चूंकि आप कल से 3 दिन के दौरे पे, सिक्किम दौरे पे जा रहे हैं, और अगर मैं उसको थोड़ा और खुलकर कहूं तो चीन सीमा पर जा रहे हैं। कभी भी जब कोई बड़ा नेता या कोई बड़ा मंत्री वहां जाता है तो चीन की तरफ से आपत्ति दर्ज कराई जाती है? नहीं नहीं, मैं जो वहां पर जा रहा हूं, जो हमारे कुछ पहले से जो कंस्ट्रक्शन वगैरह के काम वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर के हो रहे हैं, सड़क वड़क जो पहले से बन रही हैं अथवा जो बननी है, कहाँ बननी है, क्या करनी है, ये सब सारी चीज़ों को का जायजा लेने के लिए जा रहा हूँ। हमारे जाने से कोई विवाद वहाँ पर खड़ा नहीं होगा। पर चीन की तरफ से हमेशा इस तरीके की बातें उठती रही हैं और डिप्लोमेसी समय समय पर उठती रही है। एक है परसेप्शनल कुछ डिफरेंसेस हैं एक सीमा को लेकर, लेकिन उसके रहते वो रहने के बावजूद भी आपने देखा होगा कि भारत और चीन के रिश्ते कोई बहुत खराब नहीं हुए हैं, बहुत बिगड़े नहीं हैं, और बातचीत का सिलसिला तो वो लगातार चल ही रहा है, चलता रहेगा। आखिरी सवाल फिर मैं खत्म करूंगा पाकिस्तान से कि आखिर अगर आज इंटरनेशनल कोर्ट में फैसला भारत के पक्ष में आता है और जैसा हम जानते हैं कि पाकिस्तान नहीं मानेगा वो, तो फिर क्या करेगी भारत सरकार? मैंने एक ही मैं कहा ना, कुलभूषण जाधव को बचाने के लिए जिस हद तक जाना होगा उस हद तक हम लोग जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद राजनाथ जी एबीपी न्यूज से बात करने के लिए। धन्यवाद। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।